या से मैं कौन सा भी एक पेयर को चूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद प्ले करता हूँ। फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी आपके जो फोर प्लेयर है यहाँ पर, सारे प्लेयर को हमें बाहर निकालना है। तो चलिए मैं सबसे पहले वन बाय वन करके सबको मैं प्लेयर को बाहर निकालता हूँ, बाद में वो ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से मुझे सिक्स आ गए, तो एक प्लेयर को बाहर निकाला। तो फ्रेंड्स ऐसे करके हमें सारे सारे प्लेयर को बाहर निकाल लेना है सबसे पहले। तो चलिए मुझे सिक्स फिर से आ गए। सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि आप तीन प्लेयर या चार प्लेयर को बाहर निकालो, बाद में जो ट्रिक काम करेगी। फ्रेंड्स और एक बात ध्यान में रखना, जो भी आपके प्लेयर है वो एक दूसरे के आगे रखना। एक प्लेयर को आप बहुत आगे भी नहीं लेके जा सकते और एक प्लेयर को हम बहुत पीछे भी नहीं ले सकते। जो भी हमारे प्लेयर है वो एक दूसरे के बराबर रहने चाहिए। उसके बाद ऐसे ही करना है, हमारे जो भी प्लेयर उनको एक साथ लेके जाना है। किसी एक प्लेयर को बहुत आगे भी नहीं और किसी एक प्लेयर को बहुत पीछे भी नहीं छोड़ना है। इतने फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा टीम प्लेयर आ चुका है, अभी जो ट्रिक कहूंगा वो काम करेगी। तो सारे प्लेयर को हमें एक साथ ही लेके जाना है। तो मैं जो मेरा लास्ट वाला प्लेयर है उसको एक साथ लेके जाता हूँ वहां तक। तो फ्रेंड्स और एक मुझे सिक्स मिल गया, तो चलिए मैं इसको भी आगे लेके जाता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है इस गेम के अंदर, एक बहुत ही बड़ा बग है। वो बग ये है कि जो भी मेरा ये पिछला वाला प्लेयर है वो आगे वाले प्लेयर के ऊपर कभी भी नहीं आ सकता। यही इसके अंदर बहुत बड़ा बग है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो मेरा रेड पर एक प्लेयर है वो मेरा पिछला वाला प्लेयर आगे वाले प्लेयर पर कभी भी नहीं आ सकता। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि जो पिछले वाला प्लेयर है वो आगे वाले प्लेयर के ऊपर कभी भी नहीं आ सकता। तो हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि हमें कितना पॉइंट्स मिलने वाले। तो मैं अभी खेलने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि अभी मुझे एक कभी भी नहीं गिरेगा। अगर मुझे एक गिरेगा तो मैं इसके ऊपर आ जाऊँगा। लेकिन इस गेम के अंदर क्या होता है, अगर हम एक दूसरे के ऊपर कभी नहीं आ सकते तो मुझे एक के आगे ही पॉइंट्स मिलेंगे। मुझे दो मिल सकता है, तीन मिल सकता है, चार मिल सकता है, पांच मिल सकता है, छह मिल सकता है, लेकिन मुझे एक पॉइंट कभी भी नहीं मिलेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर खेल के दिखाता हूँ और आपको प्रूफ भी करके दिखाता हूँ। तो देखा फ्रेंड्स, मैं जैसे कि कहा था कि मुझे एक कभी भी नहीं मिलेगा, तो दो मिल गए। तो ये इसको आगे लेके जाता हूँ मैं। अभी फिर से फ्रेंड्स जो मेरा पिछले वाला प्लेयर है वो आगे वाले प्लेयर तक प्लेयर के ऊपर कभी भी नहीं आ सकता। तो इस केस में भी मुझे दो मिलेगा, तीन मिलेगा, चार मिलेगा, पांच मिलेगा, छह मिलेगा, लेकिन एक कभी भी नहीं मिलेगा। तो चले फिर से मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखा छह मिला, क्योंकि अगर मुझे एक मिलता तो मैं इसके ऊपर आ जाता, लेकिन इस गेम के अंदर एक दूसरे के ऊपर कभी नहीं आ सकते। तो छह मिले, तो चले मैं सबको एक लाइन में लगा देता हूँ। अभी फ्रेंड्स अभी देखो, अभी मुझे कितना मिलेगा, अभी मुझे एक मिला तो मैं इसके ऊपर आ जाऊंगा, तो मुझे एक नहीं मिलेगा। अगर मुझे दो मिलेगा तो मैं इसके ऊपर आ जाऊंगा, तो मुझे एक और दो कभी भी नहीं मिलेंगे। अगर मुझे छह मिलेंगे तो मैं इसके ऊपर आ जाऊंगा, वन टू थ्री फोर फिफ्थ सिक्स। हाँ फ्रेंड्स मुझे छह मिल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो रेड कारपेट है उसके ऊपर हम आ सकते हैं, लेकिन जो व्हाइट कारपेट दिख रहा है यहाँ पर
उसके अंदर एक दूसरे के ऊपर कभी नहीं आ सकते। तो यहाँ पर मुझे कितना मिलेगा? यहाँ पर मुझे एक दो, एक कभी भी नहीं मिलेगा, दो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक मिलने के बाद मैं इसके ऊपर आ जाऊंगा और दो मिलने के बाद मैं इसके ऊपर आ जाऊंगा। लेकिन फ्रेंड्स, जो ये मेरा ये प्लेयर है वो रेड कारपेट के ऊपर है, तो मुझे एक मिल सकता है, क्योंकि रेड कारपेट में एक दूसरे के ऊपर हम आ सकते हैं। उसके बाद हम जो स्टार है उसके अंदर भी एक दूसरे के ऊपर आ सकते हैं, लेकिन जो व्हाइट कारपेट है उसके अंदर एक दूसरे के ऊपर कभी नहीं आ सकते। तो यहाँ पर मुझे वन मिलने का चांस बहुत ही कम है, दो कभी भी नहीं मिलेंगे, तीन मिलेंगे, चार मिलेंगे या पांच मिलेंगे, क्योंकि अगर छह मिलती है तो मैं 1 2 3 4 5 6, हाँ छह भी मिल सकते, छह मिलने के बाद मैं रेड कारपेट पर आ सकता हूँ, लेकिन मुझे एक या छह मिलने का बहुत ही कम चांस है। तो मुझे कितना मिलेगा? तीन मिलेगा, चार मिलेगा या पांच मिलेगा? तो देखता हूँ कितने मिलते हैं। तो फ्रेंड देखा, यहाँ पर तीन मिला मुझे, तो मैं इसको आगे लेके जाता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, ये एक ट्रिक है, हम देख सकते हैं कि सब प्लेयर को एक साथ लगाना होता है, उसके बाद हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमें कितना पॉइंट मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर ये बहुत ही बड़ा बग है कि प्लेयर एक दूसरे के ऊपर कभी नहीं आ सकते, तो हम उससे अनुमान लगा सकते हैं कि हमें कितना पॉइंट मिलने वाला है। तो अभी मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि हमें कितना पॉइंट मिलेगा। अगर मुझे यहाँ पर दो मिलेगा तो मैं इसके ऊपर आ जाऊंगा, अगर मुझे तीन मिलेगा तो मैं रेड कारपेट पे आ जाऊंगा, और रेड कारपेट पे आने के चांस बहुत ही कम होते हैं। रेड कारपेट पे हम आ भी सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम चांस है। तो मुझे दो कभी भी नहीं मिलेगा, तीन मिलने का चांस है, चार भी कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि चार मिलने के बाद ये व्हाइट कारपेट पर आ जाऊंगा, व्हाइट कारपेट पर एक दूसरे के ऊपर कभी नहीं आ सकते इस गेम में। तो मुझे दो भी नहीं मिलेंगे, चार भी नहीं मिलेंगे, उसके बाद जो बाकी के बचे हुए वो मिल जाएंगे, मुझे दो नहीं मिलेंगे और चार नहीं मिलेंगे। तो देखता हूँ कितने मिलते हैं। तो हमें तीन मिले, जैसे कि मैंने कहा था कि व्हाइट कारपेट के ऊपर आ सकते हैं, तो उसके ऊपर आ सकते हैं, लेकिन सॉरी फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा था कि रेड कारपेट के ऊपर आ सकते, तो रेड कारपेट के ऊपर हम गए, लेकिन व्हाइट कारपेट के ऊपर कभी नहीं जा सकते। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मुझे कितने मिलेंगे। गेम खेलने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे कितना पॉइंट्स मिलने वाला है। तो यहाँ पर मुझे वन मिला तो रेड कारपेट के ऊपर जाऊंगा, तो रेड कारपेट के ऊपर आ सकता हूँ मैं, लेकिन उसका चांस बहुत ही कम रहता है। लेकिन मुझे दो मिला तो इसके ऊपर, व्हाइट कारपेट के ऊपर और एक प्लेयर के ऊपर आ जाऊंगा, तो ऐसा इस गेम में होता ही नहीं। तो मुझे एक मिलेगा या तीन मिलेगा या चार मिलेगा या पांच मिलेगा या छह मिलेगा, लेकिन मुझे दो जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। तो चलिए, मुझे एक मिलता है, तीन मिलता है, चार मिलता है, पांच मिलता है, छह मिलता है, देखते हैं, लेकिन मुझे दो मिलेगा नहीं, दो मिलेगा तो मैं इस प्लेयर के ऊपर आ जाऊंगा। तो देखते हैं कितने मिलेगा, छह मिला। फ्रेंड जैसे मैंने आपको कहा था कि वैसे ये गेम हो रहा है, इसके अंदर बहुत ही बड़ा बग है। आशा करता हूँ कि ये लोग जल्दी से इस गेम को ठीक करेंगे। अभी अभी भी मैं आपको बताता हूँ कि मुझे कितना मिलेगा। अभी मुझे एक मिलेगा तो मैं इस प्लेयर के ऊपर आ जाऊंगा, जो इस गेम में होता नहीं। तो मुझे एक छोड़कर, 1 2 3 4 5 6, एक छोड़कर मुझे बाकी कोई भी मिल सकता है। अगर मुझे दो मिलेगा तो मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, अगर मुझे तीन मिलेगा तो मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, अगर मुझे चार मिलेगा तो मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, अगर मुझे पांच मिलेगा तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आ पाऊंगा। 1 2 3 4, मुझे पांच मिला तो मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, जो इस गेम में नामुमकिन है। अगर